हाय एवरीवन, नॉमिनक्लेचर कर रहे थे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और लास्ट लेक्चर में एसिड क्लोराइड का नॉमिनक्लेचर किए थे, मतलब एसिड डेरिवेटिव्स में एसिड हेलाइड का हमने देखा था, एसिड क्लोराइड जिसमें मोस्ट कॉमन था। नेक्स्ट आता है इसमें अब कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर्स, जिसको सिंपली एस्टर्स भी लिखा जाता है, एस्टर्स। फंक्शनल ग्रुप सी डबल बॉन्ड, वो इतना तो रहना ही है ना, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड बना है। यहाँ आ जाता है ओ, और इसके बाद भी कोई ना कोई ग्रुप लगा होगा। यहाँ भी शेप देखोगे, हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो वही होना है, सिग्मा 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 पाई। तो अगल बगल तीन सिग्मा है, मीन्स यहाँ भी क्या होगा, sp2। जनरल रिप्रेजेंटेशन RC(OOR) सिंपली इसी को लिखा जाए तो RCO2R। इस जगह पे R और R सेम या फिर डिफरेंट अल्काइल या फिर एराइल ग्रुप्स होंगे। जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला यदि लिखना चाहें तो CnH2n+1 सी डबल बॉन्ड ओ ओ, और इधर CmH2m+1। यहाँ n का वैल्यू इक्वल टू ग्रेटर देन 0 होगा, लेकिन m का वैल्यू इक्वल टू ग्रेटर देन 1 होगा। यहाँ कम से कम एक कार्बन होगा ही होगा, m का वैल्यू 1 से स्टार्ट होगा, मतलब एक कार्बन। यहाँ n का वैल्यू 0 से, मतलब ये रहे या ना रहे, h से भी डायरेक्ट स्टार्ट होगा। तो n का वैल्यू इक्वल टू ग्रेटर देन 0 और m का वैल्यू इक्वल टू ग्रेटर देन 1, ऐसे जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला। पैटर्न क्या है नॉमिनक्लेचर का इसमें, तो कॉमन नेम यदि लिखा जाए, कॉमन नेम का पैटर्न है इसमें से, वही एसिड के नाम पे लिखा जाएगा, नेम ऑफ एसिड माइनस या फिर सॉरी ऐसे ओ के बाद जो उसका नाम सबसे पहले लिखा जाएगा, अल्काइल या फिर एराइल गैप, उसके बाद फिर नेम ऑफ एसिड माइनस IC acid + ATE। अल्काइल या एराइल देन गैप फिर नेम ऑफ एसिड माइनस IC acid + ATE, कॉमन IPAC दोनों में यही पैटर्न है समझो। कॉमन IPAC दोनों का पैटर्न यही है सेम। एग्जांपल से ज़्यादा क्लैरिफाई होना है तो एग्जांपल ही हम लोग लिख करके चले, HC(OOCH3), फिर CH3(C)(OOCH2CH3), CH3CH2(C)(O), फिर OCH CH3CH3, उसके बाद ऐसा ब्रांच में भी हो सकता है। एरोमेटिक एस्टर भी हैं, एरोमेटिक एसिड है तो एरोमेटिक एस्टर तो डेफिनेटली होना है, क्योंकि बनते तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड से ही हैं। ऐसे करके सबका नाम लिखा जाए, चूँकि कॉमन IPAC दोनों का पैटर्न सेम ही है, लेकिन हाँ
नाम तो अलग होगा ना, क्योंकि एसिड का कॉमन नेम अलग हो रहा था, IUPAC नेम अलग हो रहा था, तो नाम पहले लिख लिया जाए, कॉमन नाम पहले लिखें। क्या है पैटर्न में, अल्काइल या एराइल सबसे पहले लिखना, और ये कौन सा अल्काइल या एराइल है, तो यहाँ वाला, ये देख रहे हो ना, O के बाद जो है, तो इसका नाम सबसे पहले लिखना है, चाहे यहाँ जो भी रहे सबसे पहले उसी का नाम, फिर गैप है, उसके बाद अब इधर जितने बचेंगे उतने कार्बन का एसिड का नाम, उसमें से IC एसिड हटा करके क्या लगाना है, ATE। तो O के बाद यहाँ CH3 है, मतलब कि मिथाइल, ठीक, गैप। अब O के पहले एक कार्बन है, तो कॉमन नेम में एक कार्बन के एसिड को कहते हैं फॉर्मिक एसिड। क्या करोगे आप, IC और एसिड को हटा दोगे और लगा दोगे ATE, तो नाम हो जाएगा मिथाइल फॉर्मेट। क्या नाम हो जाएगा, मिथाइल फॉर्मेट। वैसे यहाँ O के बाद इथाइल, अब इधर दो कार्बन है तो कहलाता है एसिटिक, तो ये हटेगा और लगेगा ATE, इथाइल एसीटेट। वैसे यहाँ देखो O के बाद ये 1, 2, 3 कार्बन है तो प्रोपाइल, लेकिन बीच वाले से जुड़ा हुआ, मतलब डेफिनेटली ये आइसो प्रोपाइल है, तो जाएगा आइसो प्रोपाइल। 1, 2, 3 कार्बन को हम लोग कहते थे प्रोपियोनिक एसिड, क्या कहते थे, प्रोपियोनिक एसिड, तो यहाँ लग जाएगा ATE, प्रोपियोनेट, आइसो प्रोपाइल प्रोपियोनेट। वैसे यहाँ O के बाद CH3 है, मीन्स मिथाइल है, ऐसे मिथाइल है, इधर लिखोगे 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 कार्बन का होता है वैलेरिक एसिड, लेकिन एक CH3 वहाँ ब्रांच के जैसा दिख रहा है, मीन्स आइसो, तो दिस वन इज आइसो वैलेरिक एसिड, तो IC हटेगा और ATE लग जाएगा, मिथाइल आइसो वैलेरेट। ऐसे यहाँ O के बाद मिथाइल है, तो सबसे पहले आप मिथाइल लिखोगे, देन इसका था बेंचोइक एसिड, तो हटेगा IC एसिड और लग जाएगा क्या, ATE, तो नाम हो गया मिथाइल बेंचोइट, मिथाइल बेंचोइट। इसमें देखो O के बाद बेंजीन है, जिसके लिए हम लोग लिखते हैं क्या, फिनाइल, और फिर इतना का इधर लिखोगे बेंचोइट। तो ये सभी कॉमन नेम हुए कार्बोक्सिलिक एसिड के आधार पर, मिथाइल फॉर्मेट, इथाइल एसीटेट, आइसोप्रोपाइल प्रोपियोनेट, मिथाइल आइसोवैलेरेट, मिथाइल बेंजोइट, फिनाइल बेंजोइट। अब इतना तो पता चल ही रहा होगा ना कि इस हिसाब से कार्बोक्सिलिक एसिड कितना इम्पॉर्टेंट हुआ, क्योंकि अल्कोहल आप पढ़ोगे तो सिंगल अल्कोहल पढ़ोगे, उसके जैसा नाम और फिर आगे कोई कंपाउंड का नहीं है, लेकिन यदि आप कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ रहे हो, मतलब इसके बाद आप एसिड क्लोराइड का नाम लिखने वाले हो, मैंने एसिड हैलाइड का, फिर वैसे ही आप एस्टर का नाम लिखने वाले हो, उसी के आधार पे आगे दो और होंगे, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड अमाइड। तो इन सबों में कार्बोक्सिलिक एसिड इज़ द पेरेंट, कार्बोक्सिलिक एसिड सबके लिए पेरेंट है, सबका नाम इसी के आधार पे लिखा जाएगा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड वाले तो सभी नाम रटे होने चाहिए, ताकि आगे किसी भी तरह के कंपाउंड का नाम लिखे गड़बड़ी ना हो, परेशानी ना हो। अब IPAC नाम, तो IPAC नाम है बस यहाँ चेंज करेगा, मिथाइल का मिथाइल ही रह जाना है। अब एक कार्बन को वहाँ हम कहते थे मिथानोइक एसिड, क्या कहते थे, मिथानोइक, तो हटेगा IC और लगेगा ATE, तो जाएगा मिथाइल मिथानोइट। वैसे इथाइल का तो इथाइल ही रहेगा, और इधर दो कार्बन का होता था इथानोइक एसिड, तो हटेगा IC एसिड और लग जाएगा ATE, इथाइल इथानोइट। वैसे यहाँ आइसोप्रोपाइल ही रहेगा, और इसका लिखोगे प्रोपेन और वेट, प्रोपानोएट। इधर देखो ये तो ठीक है, मिथाइल का मिथाइल ही रहेगा, लेकिन इधर अब आ चुका है ब्रांच, तो ब्रांच आ चुका है तो इसके लिए नंबरिंग, और नंबरिंग का वही पैटर्न है कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, कि फंक्शनल ग्रुप का कार्बन हमेशा फर्स्ट लोकेंट लेगा, 3, 4। तो अब इधर हो गया फिर 3 मिथाइल
और चार कार्बन का ब्यूटानोइट। अब यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ रहा होगा, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, एस्टर का रूल ही है ना कि ओ के बाद जो होगा उसका नाम सर्वप्रथम लिख लेना है, चाहे जो भी रहे अल्फाबेटिकली पहले आए ना या डजंट मैटर, ओ के बाद जो है उसे सबसे पहले आप लिखोगे ही किसी भी कीमत पे, और उसके बाद फिर ये सब जो बचा फिर इसके लिए वही सारे रूल्स होंगे कि ब्रांच को पहले लिखो, अलग अलग ब्रांच है तो अल्फाबेटिकली चलो, समझ रहे हो, सेम होगा उधर। लेकिन एक नया चीज़ कि ओ के बाद जो है सबसे पहले उसका नाम लिख लेना है जो भी है। अब ओ के बाद यहाँ मिथाइल है तो सबसे पहले हम लिखेंगे मिथाइल, इधर है बेंजीन तो लिखेंगे बेंजीन, मिथाइल का मिथाइल लिख दिया आपने, बेंजीन का बेंजीन, तो ये तो पूरा बच गया ना, तो ये पूरा को यहाँ लिखा जाता है कार्बोक्सिलेट, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोनिल क्लोराइड लास्ट लेक्चर में देखे थे एसिड क्लोराइड के लिए, वैसे यहाँ क्या लगेगा कार्बोक्सिलेट, मतलब ये पूरा का लिखना हो तो कार्बोक्सिलेट। अब ऊपर में बेंजोएट लगा हुआ है तो बार बार बता रहे हैं कि बेंजो का मतलब होता है बेंजीन में कार्बन, और कार्बन का कोई हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, नहीं है कोई हाइड्रोजन इसमें, तो हो गया बेंजो। अरे वो एटी लगेगा इसमें, एस्टर के लिए लगता है, लेकिन वही आप आईपीएसी लिखे तो बेंजीन का बेंजीन और ये हो गया पूरा कार्बोक्सिलेट। सेम यहाँ भी हो जाएगा, ओ के बाद बेंजीन है तो ये तो फिनाइल ही लिखा जाएगा, और फिर इधर हो जाएगा बेंजीन कार्बोक्सिलेट, ऐसा बेंजीन कार्बोक्सिलेट। तो ऐसे करके हम लोग कॉमन या आईपीएसी नाम लिखते हैं एस्टर का, जो दोनों का दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम पे ही आधारित है, चाहे आप कॉमन लिखो या आईपीएसी लिखो। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए भी लिखा जा सकता है वैसे ही, जैसे मान लो सी ओ ओ सी एस थ्री सी ओ ओ सी एस थ्री ऐसा कंपाउंड है, या फिर सी एच टू सी ओ सी ओ ओ सी टू एच फाइव और यहाँ भी सी टू एच फाइव। एरोमेटिक एसिड के लिए भी ऐसे अलग अलग लिख सकते हो, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड जो था एरोमेटिक में सी ओ, अब यहाँ लगा दो सी टू एच फाइव और यहाँ भी लगा दो सी टू एच फाइव। और इसी के लिए एक बड़ा सा चेन ले लें सी ओ टू और यहाँ कुछ भी लिखा हुआ रह सकता है, सी टू एच फाइव है जैसे मान लो, ऐसा इन सारे कंपाउंड्स का नाम लिखे। कुछ का तो आईपीएससी नाम लिखाएगा केवल, कुछ का आईपीएससी कॉमन दोनों लिखा जा सकता है, कॉमन नेम लिखने का प्रयास करें पहले। तो यहाँ से यहाँ देखोगे कार्बोक्सिलिक एसिड में डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, बस एच दोनों जगह हट करके क्या आ गया है सी एस थ्री, तो इधर भी सी एस थ्री इधर भी सी एस थ्री, सबसे पहले लिखना होगा डाई मिथाइल, और ये था ऑक्जेलिक एसिड का पार्ट ना, याद करो ऑक्जेलिक एसिड होता था दो कार्बन का डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये ऑक्जेलिक एसिड को हम लोग को क्या लिखना है ऑक्जलेट, सो डाइमिथाइल ऑक्जलेट, डाइमिथाइल ऑक्जलेट याद रखोगे। यहाँ दोनों इथाइल है, दोनों को एक साथ लिखोगे डाई इथाइल, और ई एक दो तीन कार्बन का डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होता था, नाम था उसका मेलोनिक एसिड, तो अब क्या नाम हो जाएगा मेलोनेट, डाई इथाइल मेलोनेट, शॉर्ट में इसे लिखा जाता है डी एम। अब ऐसा स्पेसिफिक शॉर्ट नेम दिया गया है, मतलब जरूर यूज होगा, है आगे यूज पढ़ोगे आप, डाई इथाइल मेलोनेट, डाई का डी इथाइल का ई मेलोनेट का एम डी एम।
डाइथाइल मेलोनेट। वैसे यहाँ लिखोगे तो दोनों इथाइल को पहले लिख दो, डाइथाइल और इथा थैलिक एसिड था, बेंजीन 1-2 में था तो ऐसा थैलिक एसिड तो हटेगा, हो जाना डाइथाइल थैलेट। थैलिक एसिड को क्या पढ़ना है, थैलेट हो जाएगा, डाइथाइल थैलेट। इसके लिए कोई कॉमन नेम नहीं होगा, आईपीएसी होगा, तो सबका आईपीएसी पहले लिख लेते हैं उसके बाद। तो आईपीएसी में भी या डाइमिथाइल का तो डाइमिथाइल रहेगा ही, और इसका हम लोग लिख रहे थे इथेन डाइओइक एसिड, तो भाई अब यहाँ से ये हटेगा और ए टी ई लग जाएगा, डाइमिथाइल इथेन डाइओएट, डाइमिथाइल हो गया, दो कार्बन का इथेन, दो दो फंक्शनल ग्रुप है तो डाई, और ई तो लगता था ओ टी। वैसे यहाँ डाई इथाइल, इसके बाद 1-2-3 कार्बन है तो प्रोपेन डाइओएट, डाइओइक होता था ना प्रोपेन डाइओइक एसिड, तो आई सी एसिड हटा करके ए टी लगा दोगे तो डाइथाइल प्रोपेन डाइओएट। वैसे इसके लिए लिखोगे तो डाइथाइल हो जाएगा यहाँ भी, और इस बार इसका लिखोगे आप बेंजीन डाई कार्बोक्सिलेट, या नंबरिंग कर जाना होगा, यहाँ नंबरिंग कर जाना होगा, बेंजीन 1-2 डाई कार्बोक्सिलेट, क्या है कि 1-3 पे भी हो सकता है, 1-4 पे भी हो सकता है, ऐसा तो नाम हो गया इसका बेंजीन 1-2 डाई कार्बोक्सिलेट। पहले ही बताए हैं कि इसके लिए हम लोग कार्बोक्सिलेट का इस्तेमाल करेंगे। अगर इस कंपाउंड को देख लो तो नंबरिंग कर रहा है डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप का कार्बन से 1, बगल में 2, 3, 4, 5, 6, दिस वन इज मिथाइल, दो कार्बन है इथाइल, अगेन एक कार्बन मिथाइल। लेकिन इसमें तो हम रूल बताए कि जो ऑक्सीजन के बाद है वो पहले लिखा जाएगा, वो पहले आ रहा हो नहीं आ रहा हो डजंट मैटर, पहले इसको लिखोगे तो C2H5 का पहले आप लिख दो इथाइल। अब इधर से चलो अल्फाबेटिकली, तो इधर 2 पे भी मिथाइल है, 5 पे भी मिथाइल है, 4 पे इथाइल है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट 4 इथाइल, देन 2-5 डाइमिथाइल, ऐसे 6 कार्बन का हेक्सेन और ये वोएट हेक्सानोइट। तो मैच नहीं करना, ये नहीं कि इथाइल दोनों जगह सेम है तो फिर ऐसे आप कर दिए 1-4 डाइथाइल, नहीं भाई अलग है, इसमें ओ के बाद वाले को पहले लिख लेना, इसमें कोई लोकेशन नहीं दे रहा है, फिर गैप दोगे और तब इतना जो पार्ट बच गया ना इसको आप नॉर्मल लेकर के चलोगे और उस हिसाब से नॉमिनेचर करोगे। तो 4 पे यहाँ हो जाना है इथाइल, 2 और 5 पे हो गया 2 मिथाइल, और 6 कार्बन है तो हेक्सानोइट, तो इथाइल 4 इथाइल 2-5 डाइमिथाइल हेक्सानोइट, इस तरह से नाम लिखेंगे हम लोग। अब साइक्लिक तो यहाँ भी हो सकता है, साइक्लिक यहाँ भी हो सकता है, ऐसे COOCH3 या हो सकता है कि ऐसा रह जाए। नाम लिखना है किसी भी कंपाउंड का लिख सकते हो प्रैक्टिस के तौर पे, इस तरह का है मान लो, कैसे लिखोगे आईपीएससी नेम डायरेक्ट, ओ के बाद वाले का नाम पहले लिख लेना है, तो ओ के बाद मिथाइल है तो लिखोगे मिथाइल, इसका लिखोगे अब साइक्लोप्रोपेन, और ई जो पूरा बचा दिस इज कार्बोक्सिलेट, तो मिथाइल साइक्लोप्रोपेन दिस वन इज कार्बोक्सिलेट। ऐसे यहाँ ओ के बाद है साइक्लोब्यूटाइल, उसके बाद फिर साइक्लोब्यूटेन, और इस CO2 का क्या लिखोगे कार्बोक्सिलेट, साइक्लोब्यूटाइल साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलेट।
तो वही है बस, लास्ट में बताया कि थोड़ा सा चेंज करने वाला है साइक्लिक रहा तो, नहीं तो फिर सारे रूल्स वही हैं, सेम है। तो इस तरह से यह कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर का नॉमिनक्लेचर समाप्त होता है। दो एसिड डेरिवेटिव देख लिए, पिछला लेक्चर में एसिड क्लोराइड करा था हमने, इसमें आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर। और इसी एस्टर के वजह से फ्रूट का जो है स्वीट स्मेल होता है, फल वगैरह का जो स्मेल होता है ना, मीठा स्मेल, स्वाद तो मीठा है चलो शुगर के वजह से, लेकिन स्मेल जो मीठा होता है वह इस एस्टर के वजह होता है। एस्टर का स्मेल ही होता है फ्रूटी, स्वीट स्मेल जो होता है फ्रूट्स का वैसा। अब नेक्स्ट इसमें है एसिड एनहाइड्राइड, फंक्शनल ग्रुप ऐसे लिखते हैं हम लोग, जनरल रिप्रेजेंटेशन करोगे तो दोनों तरफ कोई ना कोई ग्रुप लगेगा ऐसे। और यहाँ भी दो केसेस होंगे, एक दोनों तरफ सेम हो या अलग अलग हो, तो कॉमन नेम लिखने का तरीका इसका हो जाएगा नेम ऑफ एसिड माइनस एसिड प्लस एनहाइड्राइड, नेम ऑफ एसिड माइनस एसिड प्लस एनहाइड्राइड। इवन आईपीएससी नेम का भी यही पैटर्न है कि एसिड का नाम माइनस एसिड प्लस एनहाइड्राइड, लेकिन दो केसेस होंगे। पहले केस में इसका नाम आप लिखोगे अल्केनोइक एनहाइड्राइड, और ये तब लिखा जाएगा जब R और R डैश क्या हो, सेम, और अलग अलग हो तो फिर इसी का नाम आपको लिखना है अल्केनोइक वन, अल्केनोइक टू एंड देन एनहाइड्राइड, R नॉट इक्वल टू R डैश। अब इक्वल है तो ऐसे केस कई बार आ चुके हैं पीछे, अल्काइन में हम लोग पढ़े, ईथर में पढ़े, थायो ईथर में पढ़े, सब में था, तो उससे आपसे पता चल ही गया है कि दोनों तरफ सेम हो तो सिमेट्रिकल, कीटोन में भी था ना, और ऐसे रहे तो अनसिमेट्रिकल। ऐसे एग्जांपल से समझे ज़्यादा बेहतर होगा। इसका जनरल मॉलिकुलर फार्मूला भी लिखा जा सकता है, इस तरह से लिखोगे तो CnH2n+1 C double bond O, और इधर भी हो जाएगा M कर दो CmH2n+1। यहाँ N और M दोनों जीरो से बड़ा या उसके बराबर होंगे, बोथ N का भी वैल्यू जीरो से शुरू होकर के आगे जाएगा, M में भी वही बात होगा। अब एग्जांपल, तो एग्जांपल में एकदम बेसिक से शुरू करें, HCO O C double bond OH, फिर CH3 CO O C double bond O CH3, फिर बेंजीन वाला लिख लें ऐसा। ये सभी सिमेट्रिकल हुए ना, क्योंकि दोनों तरफ के ग्रुप सेम है, HH CH3 CH3, बेंजीन लिंक दोनों तरफ। अब अनसिमेट्रिकल ऐसा, इस तरह का हो, फिर मान लें कि एक ऐसा भी है, तो राइट साइड में जो तीन एग्जांपल्स लिखे गए हैं वे तीनों अनसिमेट्रिकल एसिड एनहाइड्राइड है, और लेफ्ट साइड में जो तीन स्ट्रक्चर बनाए गए हैं ये तीनों सिमेट्रिकल हैं। स्ट्रक्चर से ही पता चल रहा है हम लोग को कि दोनों तरफ ग्रुप सेम है, सिमेट्रिकल, अलग अलग है अनसिमेट्रिकल। अब यहाँ से याद रखोगे कि एसिड एनहाइड्राइड में होता है दो पार्ट, ओ को यहाँ लेके चलना है मिडिल पार्ट, लेफ्ट साइड अलग देखना है, राइट साइड अलग देखना है।
अब लेफ्ट साइड में भी एक कार्बन है, राइट साइड में भी एक ही कार्बन है, तो जब दोनों तरफ सेम हो कार्बन, मतलब सिमेट्रिकल हो, तो कोई एक तरफ लेकर के चलोगे, चाहे इधर कोई एक तरफ लेना है, तो कोई एक तरफ लोगे तो एक ही कार्बन दिखेगा। अब एक कार्बन के एसिड का कॉमन नेम क्या था? फॉर्मिक एसिड। इधर भी एक कार्बन है तो फॉर्मिक, अब फॉर्मिक दो बार है तो डाई फॉर्मिक नहीं लिखना है हम लोग को, बस केवल फॉर्मिक लिखा जाएगा। तो फॉर्मिक एसिड, दो कार्बन नहीं देखना है, ओ के दोनों तरफ अलग अलग देखोगे तो लेफ्ट साइड में एक कार्बन है फॉर्मिक, राइट साइड में भी एक कार्बन है फॉर्मिक, तो जब दो दो फॉर्मिक है तो केवल फॉर्मिक, डाई फॉर्मिक नहीं। तो फॉर्मिक और एसिड हटा करके बोल दिया जाए लगाना क्या है, एनहाइड्राइड है, तो फॉर्मिक एनहाइड्राइड। वैसे यहाँ दो कार्बन का होता था कॉमन नेम एसिटिक एसिड, तो इस बार हो जाएगा एसिटिक एनहाइड्राइड। अलग अलग देखना है ना, दो कार्बन इधर अलग, दो इधर, ये नहीं कि दो और दो चार कार्बन, अलग अलग देखना है। और अलग अलग देखोगे तो एसिटिक एसिटिक दो बार आएगा, तो दो बार नहीं केवल एक बार सिमेट्रिकल में। वैसे यहाँ बेंजोइक एसिड, तो ये जाएगा बेंजोइक एनहाइड्राइड। क्या नाम हो जाएगा इसका? बेंजोइक एनहाइड्राइड। वैसे यहाँ अलग अलग है, अब अलग अलग है तो लेफ्ट साइड में एक कार्बन है, राइट साइड में दो, एक कार्बन का था फॉर्मिक, दो का था एसिटिक, तो अब वहाँ दोनों को लिखना होगा अल्फाबेटिकली। तो पहले एसिटिक आएगा, उसके बाद फॉर्मिक आएगा, एंड देन एनहाइड्राइड। तो एसिटिक फॉर्मिक एनहाइड्राइड अल्फाबेटिकली लिखा हुआ है। वैसे यहाँ राइट साइड में दो कार्बन है एसिटिक, लेफ्ट साइड में एक दो तीन कार्बन है प्रोप्यूनिक, तो पहले ए आता है एसिटिक प्रोप्यूनिक एनहाइड्राइड ऐसे। फिर एक लास्ट वाले में देख लो, बेंजोइक दिस इज फॉर्मिक, तो पी और एफ में पहले बी आता है, सो बेंजोइक फॉर्मिक एनहाइड्राइड ऐसे। तो फॉर्मिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, बेंजोइक एनहाइड्राइड, ये एक बार लिखा हुआ है, मतलब कि ये सभी सिमेट्रिकल एसिड एनहाइड्राइड है, फॉर्मिक एसिटिक बेंजोइक, लेकिन वही दो दो वर्ड्स आ रहे हैं, मतलब ये अनसिमेट्रिकल है दोनों तरफ वाले का। किसी को ध्यान में रखना है कि एसिड एनहाइड्राइड में सिमेट्रिकल यदि है तो दोनों में से कोई एक साइड के कार्बन को कंसिडर करके चलना है, लेकिन यदि अलग अलग है तो दोनों तरफ वाले कार्बन ओ के दोनों तरफ जो है उसको कंसिडर करोगे अलग अलग। मैंने ऐसा नहीं कि इधर एक है इधर दो तीन कार्बन है तो आप प्रोपेनोइक मिला के लिख रहे हो, अलग अलग कंसिडर करोगे। आईपीएसी नाम में वैसे ही जाएगा, एक कार्बन को मिथेनोइक और ये जाएगा एनहाइड्राइड, गैप होगा कॉमन आईपीएसी दोनों नाम में, मिथेनोइक एनहाइड्राइड। वैसे यहाँ दो कार्बन है इथेनोइक एनहाइड्राइड, और ये बेंजोइक वाले में इस बार बेंजोइक ही रहेगा, इसमें कुछ अलग नहीं होगा, बेंजीन कार्बोक्सिलेट वगैरह ऐसा कुछ नहीं, बेंजोइक का बेंजोइक एनहाइड्राइड। वैसे यहाँ एक कार्बन मिथेनोइक, दो कार्बन इथेनोइक, तो पहले ई आता है तो इथेनोइक, फिर मिथेनोइक एंड देन एनहाइड्राइड, इथेनोइक मिथेनोइक एनहाइड्राइड, अलग अलग है ना। जैसे वहाँ एसिटिक फॉर्मिक एनहाइड्राइड लिखे तो यहाँ एसिटिक के बदले इथेनोइक, अब एसिटिक के बदले इथेनोइक है इसलिए पहले नहीं है, बल्कि एम और ई में ई पहले आता है इसीलिए। जैसे यहाँ तीन का प्रोपेनोइक, दो का इथेनोइक, तो फिर से ई पहले आएगा पी से, तो इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। ऐसे लास्ट में देखो, बेंजोइक तो बेंजोइक ही रहेगा, अरे फॉर्मिक का हो जाएगा मिथेनोइक, तो फिर बेंजोइक और मिथेनोइक में बी पहले आता है अगेन, मिथेनोइक एनहाइड्राइड ऐसे नाम हो गया। ठीक है, तो मिथेनोइक एनहाइड्राइड, इथेनोइक बेंजोइक और फिर इसमें मिला हुआ अलग अलग रहेगा, तो इथेनोइक मिथेनोइक, इधर हो गया इथेनोइक प्रोपेनोइक, और हो गया बेंजोइक और मिथेनोइक। इसमें जनरली ब्रांच्ड एसिड एनहाइड्राइड होते नहीं हैं, इसमें जो है वह ब्रांच्ड एसिड एनहाइड्राइड जनरली नहीं होते हैं,
अब यदि हो तो फिर नाम आप ऐसा लिख सकते हो, रहेंगे नहीं लेकिन शायद आ जाए तो, जैसे मान लो है CH3 सी डबल बॉन्ड ओ, फिर ओ सी डबल बॉन्ड ओ CH3 ऐसा हो तो एक तो इसका नाम कॉमन एसिड एंड हाइड्राइड के आधार पे लिखोगे कार्बोक्सिलिक एसिड के जैसा, तो एक दो तीन चार कार्बन मतलब ब्यूटायरिक एसिड है। अब ब्यूटायरिक में भी देख रहे हो एक मिथाइल है तो आइसो हो जाएगा, तो आइसो ब्यूटायरिक एनहाइड्राइड। IPSC लिखोगे ना तो ऐसे करके लिखना है, इसको मान लो अल्फा, इसको मान लो अल्फा डैश, फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बगल में, सॉरी ये नहीं, यहाँ अल्फा डैश, फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बगल वाले कार्बन को अल्फा माना जाता है, तो इसका नाम फिर ऐसे लिखोगे अल्फा अल्फा डैश डाइमिथाइल, और एक दो तीन कार्बन का प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। लेकिन ऐसे ब्रांच्ड वाले बहुत रेयर हैं, जनरली ये आएंगे नहीं, तो ध्यान रखोगे। यहाँ तक तो तीन एसिड डेरिवेटिव्स हो गए, इसके पहले वाले लेक्चर में एसिड क्लोराइड देखा था हमने, और अभी एस्टर और एसिड एनहाइड्राइड, एक और है एसिड अमाइड बड़ा सा है, तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।